सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद लगातार नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के फार्म हाउस पर छापा मारा है। इस बीच सुशांत के फार्म हाउस से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक ओर सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर कई ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें देखकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टीज हुआ करती थी, वहीं दूसरी ओर जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में इंटरव्यू के दौरान सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर ने एक बेहद बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल ड्रग एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ के दौरान बॉलीवुड की 25 हस्तियों के नाम बताए। वहीं इसी लिस्ट में नाम शामिल हुआ बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान का। हाल ही में मैनेजर ने सारा को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के बारे में भी बताया है। सुशांत के मैनेजर ने बताया है कि सुशांत के यहाँ पार्टियों में सारा अली खान आती थी और उनके बाद रिया चक्रवर्ती का आना भी शुरू हो गया था। सुशांत के मैनेजर रईस ने इस बात की जानकारी दी है कि सुशांत के फार्म हाउस में पार्टीज होती थी जहां पर कई बॉलीवुड सितारे आते थे। मैनेजर ने इसमें सारा अली खान का नाम भी लिया और बताया कि सारा के बाद रिया चक्रवर्ती फार्म हाउस पर आई। मैनेजर ने बताया कि उन्होंने कभी सुशांत को ड्रग्स लेते नहीं देखा, लेकिन उनकी पार्टियों में स्मोकिंग पेपर मंगाए जाते थे। ये किस लिए मंगाए जाते थे इसका उन्हें पता नहीं। अप्रैल में रिया का आना जाना शुरू हुआ था। 31 अप्रैल को फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया गया था जिसमें रिया के पेरेंट्स भी आए थे। इसके अलावा सुशांत के मैनेजर ने सुशांत के यूरोप ट्रिप के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जब सुशांत यूरोप ट्रिप से वापस लौटे थे तब उस दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो आइलैंड भी जाते थे, बोटिंग करते थे, लेकिन इतना पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इस तरीके से मैनेजर ने ये तमाम बड़े खुलासे किए सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पर पार्टीज के बारे में और साथ ही साथ सारा और रिया चक्रवर्ती के बारे में। फिलहाल रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई की भाईखला जेल में 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती रहेंगी, जहां पर रिया चक्रवर्ती से कड़ी पूछताछ अब भी जारी है। वहीं दूसरी ओर सारा अली खान को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जल्द ही एनसीबी की टीम सारा को भी समन भेज सकती है और बॉलीवुड की वो तमाम हस्तियां जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है और उनको भी जल्द ही समन भेजा जा सकता है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।